केंद्रीय मंत्री सह बक्सर सांसद अश्विनी कुमार चौबे ने कहा है कि बक्सर में भी अब 80 रुपये किलो टमाटर मिल सकेगा। उन्होंने कहा कि नेफेड और NCCF के सहयोग से जल्द ही बक्सर में भी एक केंद्र खोला जाएगा जहां टमाटर 80 रुपये प्रति किलो बेचा जाएगा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के सहयोग से पटना, बनारस तथा अन्य जगहों पर टमाटर 80 रुपये किलो बिक रहा है, बक्सर में भी इसकी शुरुआत होगी। ये लगातार देश भर में जो टमाटर का दाम बढ़ रहा था, पिछले दिनों हमारे मंत्रालय में हमने सेक्रेटरी के साथ उसकी मीटिंग भी की है और सेक्रेटरी से मीटिंग करके हमने कहा कि टमाटर जो 22 वस्तु है, 22 जो ऐसे अधिनियम के तहत जो ऐसे वस्तु जिनका मूल्य निर्धारण होता है, जो मूल्य बढ़ने देता है उसमें दलहन, तेलहन और सब्जी में टमाटर और एसेंशियल कमोडिटीज में, तो उसमें आवश्यक वस्तुओं में 22 आते हैं, उसमें टमाटर और प्याज भी आता है। टमाटर का दाम पिछले देश भर में पिछले दिनों कुछ बढ़ी थी, हमने उसको नियंत्रण करने के लिए सचिव के की मीटिंग करके, उच्च स्तरीय बैठक करके हमने कहा है और हमारे मंत्रालय के द्वारा हमारे मंत्री और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सख्त निर्देश है कि किसी भी हालत में दाम नहीं बढ़नी चाहिए और उसको दाम को नियंत्रित करने के लिए देश भर में नाफेड और जो NCCF है उपभोक्ता मामले के मंत्रालय के अधीनस्थ और कृषि मंत्रालय के अंदर, इन लोगों को जिम्मेवारी पूरे देश की दी गई है और विगत कई दिनों से, 4-5 दिनों से वो देश भर में कई सेंटर खोले थे, बिहार में भी कई सेंटर खुले हैं, वाराणसी, पटना, मुजफ्फरपुर, बारा, ऐसे बक्सर, कई जगहों पर खोलने की बात चल रही है और जहाँ नहीं है वहाँ खोलने की बात भी चल रही है। निश्चित रूप से केंद्रीय मंत्री सह बक्सर सांसद अश्विनी कुमार चौबे की इस पहल से आम लोगों को राहत तो मिलेगी ही, लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि यह सुविधा बक्सर के लोगों को कब तक मिल पाती है। एक बार फिर सुन लीजिए केंद्रीय मंत्री सह बक्सर सांसद अश्विनी कुमार चौबे ने क्या कुछ कहा है। ये लगातार देश भर में जो टमाटर का दाम बढ़ रहा था, पिछले दिनों हमारे मंत्रालय में हमने सेक्रेटरी के साथ उसकी मीटिंग भी की है और सेक्रेटरी से मीटिंग करके हमने कहा कि टमाटर जो 22 वस्तु है, 22 जो ऐसे अधिनियम के तहत जो ऐसे वस्तु जिनका मूल्य निर्धारण होता है, जो मूल्य बढ़ने देता है उसमें दलहन, तेलहन और सब्जी में टमाटर और एसेंशियल कमोडिटीज में, तो उसमें आवश्यक वस्तुओं में 22 आते हैं, उसमें टमाटर और प्याज भी आता है। टमाटर का दाम पिछले देश भर में पिछले दिनों कुछ बढ़ी थी, हमने उसको नियंत्रण करने के लिए सचिव के की मीटिंग करके, उच्च स्तरीय बैठक करके हमने कहा है और हमारे मंत्रालय के द्वारा हमारे मंत्री और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सख्त निर्देश है कि किसी भी हालत में दाम नहीं बढ़नी चाहिए और उसको दाम को नियंत्रित करने के लिए देश भर में नाफेड और जो NCCF है, उपभोक्ता मामले के मंत्रालय के अधीनस्थ और कृषि मंत्रालय के अंदर, इन लोगों को जिम्मेवारी पूरे देश की दी गई है और विगत कई दिनों से, 4-5 दिनों से वो देश भर में कई सेंटर खोले थे, बिहार में भी कई सेंटर खुले हैं, वाराणसी, पटना, मुजफ्फरपुर, बारा, ऐसे बक्सर, कई जगहों पर खोलने की बात चल रही है और जहां नहीं है वहां खोलने की बात भी चल रही है।